इधर बिहार के मोतिहारी में 10 लोगों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। आशंका ये जताई गई है कि सभी लोगों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया गया कि जहरीले केमिकल की वजह से इन लोगों की आंखों की रोशनी तक चली गई। वहीं कुछ लोगों के हालात बिगड़ता देख उन्हें मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया। पूरी घटना को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दुखद बताया। अरे तो दुखद है, अभी हम जा रहे हैं तो पूरी उसके बारे में जानकारी लेंगे। अकेले तुरकौलिया के लक्ष्मीपुर गांव से ही 5 लोग बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हैं, जिसके बाद लक्ष्मीपुर गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप कर रही है। इधर मुंबई पुणे हाईवे पर एक तेज रफ्तार बस 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी है। सुबह सुबह हड़कंप मच गया। इस दर्दनाक हादसे में 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 29 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिनका रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि मुंबई से पुणे जा रही प्राइवेट बस में करीब 40 लोग सवार थे। ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ने की वजह से बस 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे का शिकार हुए लोगों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मुंबई पुणे हाईवे पर हुए हादसे के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना की जानकारी लेते हुए खुद वो मौके पर पहुंचे और जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। इसके साथ ही शिंदे सरकार ने घायलों के इलाज का खर्च भी उठाने की जानकारी दी। 5 लाख रुपए मदद देने का निर्णय झालेला है आणि जे जखमी आहेत त्यांचा संपूर्ण खर्च शासनाच्या माध्यमातून केला जाईल। घायलों का सही तरीके से इलाज कराने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और पुलिस को दी गई है। सुबह सुबह हुए दर्दनाक हादसे के तुरंत बाद एनडीआरएफ और पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंच गई और राहत बचाव कार्यों में जुट गई। इधर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक तेज रफ्तार गाड़ी पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि यहां पर जबरदस्त टक्कर हुई। गाड़ी में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बहराइच जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। 6 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई और जो 8 लोग हैं उन सभी को बहराइच रेफर किया गया है। बताया गया कि सभी लोग अपने परिजन के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पंजाब के लुधियाना से आ रहे थे। इधर अतीक से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी एटीएस की पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है कि पूछताछ में अतीक और अशरफ ने राज उगला है कि कश्मीर में आतंक फैलाने वाले आतंकियों से हथियार लिए गए थे। उस आतंकी का भी दोनों ने नाम बताया है, साथ ही आतंकी को हथियार सप्लाई करने वालों को भी उनका भी नाम लिया गया है। उधर अतीक के बेटे असद को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में असद का शव दफना दिया गया, जहां असद के नाना ने उसे दफनाने की रवायत पूरी की।